तो अलादीन को एक चिराग मिला, एक सादा सा चिराग इसके जैसा, पर वो जादुई चिराग था। जब अलादीन ने चिराग को घिसा तो एक जिन निकल कर आया। उसने अलादीन से तीन चीजें मांगने को कहा। अलादीन की पहली मांग थी कि वो शहजादा बने और महलों में रहे। मैं भी यही मांगूंगा, फिर मैं हाथी पर चढ़ूंगा और खूब मिठाई खाऊंगा। मीना, तुम क्या मांगोगी? मैं चाहती हूँ कि कोई बीमार न हो, ताकि हम सब हंसी खुशी जिए। ऐसी मांग को तो पूरा कर सकते हैं। सच में दादी? पूरा कर सकते हैं? दादी, आगे बताओ ना, अलादीन का क्या हुआ? तो सुनो, अलादीन के पास एक जादुई कालीन भी था, जो कि दुनिया में कहीं भी उड़कर जा सकता था। अलादीन कालीन पर बैठकर जगह जगह उड़ा और उसने बहुत सी आलीशान चीजें देखी। अगर हमारे पास भी ऐसा ही कालीन हो तो सोचो हम क्या क्या देखेंगे। जाओ सो जाओ, बाकी की कहानी मैं कल सुनाऊंगी। मीना, क्या ये लैंप जादू का नहीं बन सकता? मैं जीनी से मिलना चाहता हूँ। और हाँ, हम इस चटाई को जादुई कालीन बना लेंगे और फिर दुनिया की सैर करेंगे। पर ये सब तो सिर्फ सपनों में ही होता है। लोगों को बीमार करते हैं, लेकिन देखो अब जादू से ये कीड़े हमें दिख रहे हैं। मैले रंग को देखकर ही पता चल रहा है कि कीटाणु पानी में जा रहे हैं। हाय हाय, वो छोटे बच्चे उसी गंदे पानी में नहा रहे हैं और अपने दांत साफ कर रहे हैं। और वो औरत अपने बर्तन धो रही है। अगर ये गंदा पानी उनके पेट में चला गया तो ये सब के सब बीमार पड़ जाएंगे। अरे रे, वो लड़की उसी पानी को भरकर घर ले जा रही है। पर उसे ये पानी पीना नहीं चाहिए, उसे दस लग जाएंगे। उसे नहीं पता कि पानी गंदा है, क्योंकि गंदा दिखता जो नहीं है। अरे नहीं, उसके घर के सब लोग वही पानी पी रहे हैं। उफ, तभी तो यहाँ इतने लोग बीमार हैं। हमें कुछ करना होगा। चलो राजू, अपना जादुई चिराग निकालो। मैं इस चिराग का जिन हूँ, बताइए आपके लिए क्या करूँ मेरे आका? मैं कुछ भी मांग सकती हूँ। बिल्कुल, मैं आपकी तीन मांगे पूरी करूँगा। हाँ तो जिन, मैं चाहती हूँ कि सब लोग शौचालय इस्तेमाल करें। शौचालय? अरे कुछ और मांगो, जैसे हीरे, मोती, सोना, हाथी और मिठाइयाँ। नहीं नहीं, शौचालय बहुत जरूरी है, इससे लोगों की जान बचती है। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। आपने कहा और मैंने माना। जरा सुनिए हुजूर। इस तरफ हुजूर, कृपया शौचालय इस्तेमाल करें। अब
आपकी दूसरी मांग क्या है मेरे आका? मैं चाहती हूँ कि सब लोग साफ सुरक्षित पानी ही इस्तेमाल करें। पानी? पर क्यों नहीं हीरे, जवाहरात, शेर, मोर? नहीं नहीं जिन, साफ पानी तो इन सबसे कई ज्यादा कीमती है। जैसी आपकी आज्ञा, आपने कहा मैंने माना। जरा सुनिए, आपसे कुछ कहना है मुझे। साफ पानी का ही इस्तेमाल करें। यहाँ आइए भाइयों और बहनों, इधर। उसकी हाथ से खाने की चीजों में जाएंगे और घर में सबको दस्त लगेंगे। मेरे आका, अपनी तीसरी और आखिरी मांग बताओ। इस बार कोई मजेदार चीज मांगो। बीना, क्या फिल्मों की हीरोइन बनना चाहोगी? ओ जिन, मैं तो इससे भी अच्छी चीज मांगने वाली हूँ। मैं चाहती हूँ कि सब लोग अपने हाथ साबुन या राख से धोए। ऐसा क्या? ऐसा ही, ये तो होना ही चाहिए। बहन जी, अपने हाथ साबुन से धोएं। साबुन ना हो तो राख से धोएं। सुनो तो भाई, लगता है तुम अपने हाथ साबुन से धोना भूल गए। अब सब तंदुरुस्त रहेंगे। सब तंदुरुस्त रहेंगे। राजू उठो, मैंने रात एक मजेदार सपना देखा है, उसमें तुम और मिठू भी थे। सपने में हमारे पास एक जादुई कालीन था और था एक जिन जिसने मुझे तीन चीजें दी। अब मुझे पता लग गया है कि सब तंदुरुस्त कैसे रह सकते हैं। मैं अपनी तीन मांगे दोहराऊंगी और तुम्हें बताऊंगी कि मैं उन्हें कैसे पूरा करूंगी। क्या मांगा, क्या कह रही हो? अच्छा बताती हूँ, मेरी पहली मांग ये है कि यहाँ सब लोग शौचालय इस्तेमाल करें। सब शौचालय इस्तेमाल करें। अरे ये क्या मांगा? अच्छा फिर क्या हुआ? हमें इस बात को पूरा करना है। बुद्धू, जादू वाला चिराग तो बस कहानियों में होता है, असल में ये सब काम हमें खुद ही करने हैं, है ना? हाँ तो दरअसल मैं यहाँ सबसे शौचालय बनाने की बात करने आया हूँ। हाँ, मीना को स्कूल में भी इस बारे में बताया गया है। भाई मैं चाहता हूँ गांव के हर घर में एक शौचालय हो। पर शौचालय तो सिर्फ पैसे वाले ही बनवा सकते हैं। वैसे तो शौचालय कई किस्म के होते हैं, तारा उन सब के बारे में अच्छी तरह से जानती है। हाँ, बहुत कम लागत में आप खुद शौचालय बना सकते हैं। हाँ बाबा, हम अपने लिए शौचालय बनाएंगे, इससे 10 जैसी बीमारियां रोकने में मदद मिलेगी। मीना ने ठीक कहा। अरे पर बदबू का क्या होगा? दादी डरो नहीं, अगर शौचालय को साफ और ढककर रखेंगे तो बदबू नहीं आएगी। शौचालय जरूर बनाना चाहिए। अच्छा तो ठीक है। ये हुई ना बात, तारा आपको सस्ते शौचालय बनाने का तरीका बताएगी।
मैं चलता हूं। छाक भी नहीं कर सकता। हाँ भाई, इसमें तो मैं रात को भी आराम से जा सकूंगी। अब मुझे अंधेरे में जाने से डर भी नहीं लगेगा। हाँ राजू, बच्चों को हमेशा शौचालय का इस्तेमाल करना चाहिए। लो हो गया तैयार, आप सब ये शौचालय इस्तेमाल करें। शौचालय इस्तेमाल करें। अरे तुम सब नहीं। शौचालय इस्तेमाल करें, शौचालय इस्तेमाल करें। अरे जनाब, शौचालय इस्तेमाल करें। ए, क्या है? ओ, तुम हो। शौचालय इस्तेमाल कर बुड्ढो। ठीक है, जाता हूँ। राजू, रानी के नहाने के लिए जरा पानी ला दो। राजू, पानी कहाँ से लाए? यही पास के तालाब से। ओ राजू, ये नहीं चलेगा। चलो ट्यूबवेल पर जाते हैं, वो तो बहुत दूर है। मिलकर दोनों लाएंगे। सब काम साफ पानी से हो, ये मेरी दूसरी मांग है। हम साफ पानी ही तो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन सिर्फ पीने के लिए। सब लोग अभी नहाने धोने के लिए और बर्तन साफ करने के लिए गंदा पानी ही काम में लाते हैं, इसीलिए बीमार पड़ते हैं। हाँ, तुम्हारी मांगे खूब काम कराती हैं। राजू, साफ पानी इस्तेमाल करो। शाबाश मिठू, हम अपने सब दोस्तों को ये बताएंगे। तुम फिर से आ गए। ठीक है, पर मुझे प्यास लगी है। हमारे साथ घर चलो दीपू। मीना, मिठू अब शौचालय है और साफ पानी भी है, पर फिर भी दस्त लगते हैं, क्योंकि लोग ठीक तरह हाथ नहीं धोते। उनसे कहो हाथ धोएं। हाथ धोएं। हाँ, ये मेरी तीसरी मांग होगी और हम इसे भी पूरा कर दिखाएंगे। चलो अपने सब दोस्तों को बताएं, हमें उनकी मदद चाहिए। तो दोस्तों, हमें सबको याद दिलाना है कि वे साबुन या राख से हाथ धोएं। शुरुआत हम अपने छोटे भाई बहनों को सिखा कर करते हैं। ये हुई ना बात। चलो हर शौचालय के बाहर पानी का बर्तन और साबुन या राख रख देते हैं। ये हुई ना बात। तो सब लोग अपने हाथ साबुन या राख से धोना याद रखें। शौचालय जाने के बाद बच्चे को साफ करके और खाना छूने से पहले। हम इस बात को पूरा करेंगे। और पानी। शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिखाया। देखो बेटा, आपने सब
साबुन से हाथ धोए? मुझे पता था तुम आओगे। छोटे हम बच्चे, हे बच्चे हम बच्चे, सबने सब अपने हमने कर लिए सच्चे। तुम भी संग आओ, ले पक्के इरादे, दिखा दे करिश्मे स्वस्थ तन मन से, दिखा दे करिश्मे स्वस्थ तन मन से। हाँ मिट्टू, मानना पड़ेगा कि तुमने मेरी आदतें बदल दी। मिट्टू, क्या तुम भी जिन हो? Oh, my God.